हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बीएड थ्योरी एग्जाम्स हैं उनका क्या पैटर्न है, और ये पैटर्न बेसिकली एमडीयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के लिए लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, बाकी आप अलग यूनिवर्सिटी से हो तो आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि किस तरह से पैटर्न होते हैं बेसिकली, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली जो ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, जो कि बी एड फर्स्ट ईयर में है इन यूनिवर्सिटीज में, और 2018 का पेपर है। तो जो थ्योरी एग्जाम होता है वो होता है 80 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चन ए है या सेक्शन ए है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें आपको चॉइस दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और सभी के हैं 16 मार्क्स के हैं, लेकिन जो खंड ए है सेक्शन ए है उसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं और सभी क्वेश्चंस क्या हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 4 × 4 = 16। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 16 मार्क्स का हो गया। इसमें आप देख सकते हो ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन एंड डी क्वेश्चन, और ये चारों क्या हैं, कंपलसरी हैं। तो सेक्शन ए कंपलसरी होता है। देन आते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन बी में यूनिट 1। तो यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन आपको इसमें से एक करना है। ठीक है, और उसका वेटेज कितना होगा, 16 मार्क्स होगा। क्लियर है, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। देन है यूनिट 2, यूनिट 2 में भी 2 क्वेश्चन है, अगेन इसमें क्वेश्चन क्या है, 16 मार्क का है इसमें भी, और इसमें से भी आपको केवल एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, मतलब आपको चॉइस है, पहले क्वेश्चन में कोई भी चॉइस नहीं है, उसमें 4 क्वेश्चन है, सभी 4-4 नंबर के हैं, 4 मार्क्स के हैं, बाकी के क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन क्या है, 16 मार्क्स का है, तो 16 × 5 = 80। चलो देन है यूनिट 3, यूनिट 3 में सेम 2 क्वेश्चन है, आपको एक करना है और ये भी 16 मार्क्स का है। देन है यूनिट 4, यूनिट 4 में भी 2 क्वेश्चन है, आपको इसमें से एक करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, ये आपका 80 नंबर का पेपर पूरा हो गया। तो ये पैटर्न था, कई बच्चे पूछ रहे थे कि क्या पैटर्न है, तो ये पैटर्न होता है एमडीयू केयू या सीडीएलयू यूनिवर्सिटी का। बाकी आप अलग यूनिवर्सिटी में हो तो प्लीज़ आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर देख लेना कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप एमडीयू से रिलेट करते हो, आपने यहाँ से फॉर्म भर रखा है, तो एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए जो पर्टिकुलर जनरल पैटर्न है वो यही है जिस ईयरली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें बताता हूँ, जो 40 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें भी क्या है, क्वेश्चन एक आता है, कंपलसरी होता है, उसमें दोनों क्वेश्चन क्या है, 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 4-4 नंबर के हैं तो ये क्या हो गया, टोटल 8 मार्क्स हो गए। देन है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में अगेन 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको चॉइस दी जाएगी, आपको एक करना है, आप एक क्वेश्चन करोगे उसमें से, तो वो 16 मार्क्स का हो गया। देन है क्वेश्चन 3, इसमें भी क्या है, आपको चॉइस दी जाएगी बिटवीन 2 क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी क्या है, 16 मार्क्स का है, तो 16 16 32 और प्लस 8 इसके, तो 32 + 8 40 मार्क्स का पेपर हो गया। आई होप क्लियर है आपको, थोड़ा पैटर्न का आइडिया लग गया कि किस तरह से थ्योरी में क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं। कई बच्चों की क्वेरी थी कि क्या पैटर्न आता है, कैसे एग्जाम आते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं ईयरली बीएड में। ठीक है, तो ये पैटर्न है, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली होगी। बाकी आपके जो भी क्वेरी हैं, आपके जो भी सजेशन हैं, आपके जो भी फीडबैक हैं, आप कमेंट करके बता देना, या आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना। ठीक है, बाकी अगर मुझे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, मैंने किसी से कह रखा है तो मुझे मिल जाते हैं, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।